अगर हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। IPL 2019 में होने वाले मिनी ऑक्शन में एक महीने से भी कम समय बचा हुआ है और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस चैनल पर IPL की नीलामी का टेलीकास्ट किया जाता है और यह टेलीकास्ट कितने बजे से शुरू होता है और मोबाइल फोन पर आप इसे कहां पर देख सकते हैं, इसलिए इस खबर को आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों बात करते हैं इसके वेन्यू की। सबसे पहले अगर हम इसके वेन्यू की बात करें तो यह ऑफिशियली कंफर्म है कि जयपुर में यह नीलामी होने वाली है। BCCI ने इसकी ऑफिशियल घोषणा अभी तक नहीं की है लेकिन जयपुर का नाम फिक्स रहता है हर साल की तरह। दोस्तों अगर हम डेट की बात करें, डेट्स का अभी तक सामने कोई खुलासा नहीं हुआ है लेकिन खबर यह आ रही है कि मिड ऑफ दिसंबर में यह प्रक्रिया होने वाली है। 15 से 20 के बीच में यह नीलामी की प्रक्रिया हो जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं हम इसके लाइव टेलीकास्ट की। अगर हम बात करें लाइव टेलीकास्ट प्रसारण की तो टेलीविजन पर हम स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के सारे चैनल पर ये देख सकते हैं और इस ऑक्शन को स्पेशल बनाने के लिए फ्री ऑक्शन शो भी होंगे और इस बार दमदार तैयारी स्टार स्पोर्ट्स करने वाला है जो कि कंफर्म है ऑफिशियली। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आप लोग इस लाइव प्रक्रिया को कहां देख सकते हैं। दोस्तों आप इस प्रक्रिया को जियो ऐप पे नहीं देख सकते, आप इस प्रक्रिया को हॉटस्टार ऐप पर देख सकते हैं। हॉटस्टार पर आपको ये सारी नीलामी प्रक्रिया देखने के लिए मिल जाएंगी। दोस्तों अब बात करें टाइमिंग की तो ये शो 8:30 बजे से आरंभ हो जाएगा और 9:30 बजे नीलामी प्रक्रिया आरंभ होने का अनुमान जताया जा रहा है। दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि आप लोग IPL का कितने बेसब्री से वेट कर रहे हैं और दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको T20 देखने में ज्यादा मजा आता है या फिर IPL मैचेस। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।